close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms which... Jai Jagannath, once again welcome to VVI Education. आज मैं आपको क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो इंटीजर से कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूँ. और ये फार्मूला 6, 7, 8 क्लास तक बच्चों ध्यान से याद रखना चाहिए. देखिए अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. चलिए इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब क्या है. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. एक है पॉजिटिव इंटीजर, वन है क्या पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा है नेगेटिव इंटीजर. सर वी नो दैट पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे. और नेगेटिव इंटीजर में क्या आ रहा है, -1, -2, -3 से. और 0 इज न्यूट्रल, हम लोग को पता है. तो ध्यान से देखिए, कुछ फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात. सपोज हम लोग को पता है प्लस के साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा. ये सुनो, एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे नीचे देखिए ध्यान से. सपोज दिया गया है 2 + 3, हम लोग को पता है 5 होगा. ये सुनो, इसे एक फॉर्मूला आएगा, ये जाएगा होगा प्लस. यहाँ पे प्लस का जो भी नंबर है बिग रहेगा, तो प्लस माइनस, माइनस का नंबर स्मॉल आएगा, तो क्या होगा. देखिए जब भी एक प्लस एक माइनस होगा, हमारा बिग नंबर को पहले क्या करेंगे, देखेंगे बड़ा नंबर कौन है. प्लस का बड़ा नंबर है उसका साइन हम लोग यहाँ पे देंगे, और बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे करता हूँ कैसे. दिया गया है यहाँ पे बड़ा नंबर है 5, सपोज ले गया, और प्लस यहाँ पे -3, तो क्या होगा, उसमें से चूज कीजिए. देखिए बड़ा नंबर कौन है 5, 5 का सिंबल क्या है, प्लस होगा, प्लस रहेगा, 5 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा. ऐसे करना है. यदि ये प्लस को स्मॉल नंबर लिया जाए तो क्या होगा, और ये माइनस को बिग नंबर लिया जाएगा तो क्या होगा. जो मैंने पहले से बता चुका हूँ, बड़ा नंबर को पहले देखेंगे, उसका सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा. ऐसा ना, तो एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 स्मॉल नंबर और प्लस माइनस 5 लेंगे तो क्या होगा. देखिए ध्यान से, उसमें से बड़ा नंबर कौन है 5, और उसका सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस ही लगेगा. यहाँ पे 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा आंसर. ठीक है ना, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है सबके लिए. और यदि क्वेश्चन में ऐसे आएगा माइनस प्लस माइनस इक्वल टू क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, जो नंबर है इसीलिए माइनस ही होगा. तो क्या करेंगे, उधर एक एग्जांपल लेंगे, -3 प्लस -5. तो देखिए ध्यान से, माइनस माइनस है तो क्या सिंबल होगा, माइनस रहेगा, और ये दोनों का ऐड करेंगे 5, 3, 8 हो जाएगा. ये सुनो, इसी करना है. और एक क्वेश्चन दिया जाएगा शायद, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 3 टाइम्स वही सेम ही होगा, माइनस ही यहाँ पे रहेगा. और क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, -2 प्लस -3 प्लस -4, तो क्या होगा, माइनस का सिंबल आ गया नहीं, और 2, 3, 5, 5, 4, 9, तो -9 हो जाएगा. ऐसा ना, तो ध्यान से देखिए. और इसे कुछ क्वेश्चन आएगा, सपोज कुछ इंटू वाला क्वेश्चन लेता हूँ, प्लस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा. यहाँ पे जब भी प्लस के साथ माइनस इंटू किया जाएगा तब माइनस हो जाएगा. एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ एक नेगेटिव इंटीजर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस होगा. तो ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ -2 में, सपोज +2 यहाँ पे यहाँ पे 2 लिखता हूँ, प्लस और इनटू -3, तो क्या होगा, प्लस के साथ हम लोग पता है इनटू करने तो माइनस हो जाएगा, तो -2, 3, 6 ऐसे होगा. ये सब. और एक क्वेश्चन देता हूँ,
यहाँ पे माइनस होगा इनटू यहाँ पे प्लस होगा, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, इक्वल टू माइनस के साथ प्लस इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, ये पहले से बता चुका हूँ। और यहाँ पे सपोज माइनस टू रहेगा इनटू प्लस थ्री, तो माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस ही होगा, टू थ्री जैसे हो जाएगा ऐसा ना। तो ध्यान से देखिए इसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा माइनस इनटू माइनस, तो क्या होगा हम लोग को पता है कि माइनस को माइनस के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए सपोज माइनस टू इंटू माइनस थ्री के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा, चलो प्लस सिक्स आ रहा है पॉजिटिव। और अगर इसे क्वेश्चन आएगा सर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस क्या होगा, देखो माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों को प्लस हो जाएगा, फिर प्लस को माइनस के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ऐसा ना। प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा माइनस हो जाएगा। तब देखिए ध्यान से सपोज माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू के साथ इंटू करेंगे प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस थ्री अभी क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा ऐसा ना। दिस इज योर आंसर। इसे डिवाइड वाला कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पहले एक नेगेटिव का दे देता हूँ। सपोज ऐसे क्वेश्चन आएगा माइनस को माइनस इंटू करेंगे तो प्लस होगा, प्लस को माइनस के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, माइनस को फिर माइनस के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब भी हमारा इवन नंबर रहेगा हमेशा प्लस होगा, इवन मतलब फोर टाइम्स ही है, माइनस फोर टाइम्स होगा, टू टाइम्स होगा कि सिक्स टाइम्स या एट टाइम्स ये सब होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ऑड नंबर ऑड टाइम्स आएगा तो क्या होगा ऑड नंबर का टाइम्स तो हमेशा माइनस ही होगा। इधर देखिए थ्री फाइव सेवन ये सब आएगा तो नाइन हमेशा क्या होगा माइनस ही होगा। तो ध्यान से देखिए फॉर एग्जाम्पल माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, वन को टू के साथ इंटू करेंगे तो क्या माइनस वन माइनस टू प्लस टू, प्लस टू को माइनस थ्री के साथ इंटू करेंगे माइनस सिक्स, माइनस सिक्स को फोर के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स फोर जाए ट्वेंटी फोर हो जाएगा। देखिए जो आंसर कैसे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी करेंगे वहाँ। ध्यान से देखिए वेरी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए सपोज यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे होगा प्लस, क्या करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ तो बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे यहाँ पे स्मॉल छोटा नंबर होगा तो हम मैंने पहले से बता चुका हूँ बड़े नंबर का सिंबल पहले लिखा है प्लस होगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए सपोज फाइव माइनस थ्री क्या होगा प्लस टू हो जाएगा सर। और ऐसे क्वेश्चन होगा शायद यहाँ पे प्लस ये स्मॉल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा एक और एक प्लस नंबर, यहाँ पे बिग नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा इसमें से बड़ा नंबर कौन है तो ये है तो उसका सिंबल है प्लस है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से प्लस को माइनस के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा ऐसा ना। अभी बड़ा नंबर को चूज करेंगे, यहाँ पे यदि बड़ा नंबर है उसका सिंबल क्या है माइनस है, अभी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बड़े नंबर से अभी छोटे नंबर को क्या करेंगे माइनस करेंगे, हमारा आंसर हमको पता चलेगा माइनस। एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से यहाँ पे थ्री होगा माइनस फाइव हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसमें से बड़ा नंबर कौन है फाइव है, उसका सिंबल क्या है माइनस, फाइव से थ्री जाएगा तो टू हो जाएगा ऐसा ना, ऐसा करना है। और यदि एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा हमेशा प्लस हो जाएगा, बिकॉज
ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इनटू हो जाएगा, माइनस को माइनस इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का प्लस करेंगे तो प्लस ही आंसर मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा सपोज 3 माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा, देखिए माइनस को माइनस के साथ इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये सुनो, अरे क्वेश्चन आएगा माइनस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये ध्यान से देखिए, ये होगा ये भी बड़ा नंबर बिग और यहाँ पे स्मॉल होगा, तो क्या होगा बड़ा नंबर का सिंबल पहले देंगे तो हम लोगों को पता है प्लस को माइनस के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस दो ही रहेगा तो हमेशा क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये सुनो, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सपोज एक नंबर माइनस 5 लेता हूँ और यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये सुनो, ध्यान से जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है माइनस है, माइनस लिखेंगे और 5 3 को आप करेंगे, 5 3 हो जाएगा 8। ये सुनो, माइनस 8 दिस इज योर आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा या छोटा, जो जब भी ये भी बड़े होने से चलेगा, ये भी छोटे होने से चलेगा, ऐसे ही तरीका से सॉल्व करना है, इसी माइनस ही आंसर होगा। यदि क्वेश्चन आएगा माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है नेगेटिव, माइनस को माइनस इंटू माइनस को माइनस इंटू करेंगे तो प्लस होगा। यदि यहाँ पे ये बिग आएगा, ये क्वेश्चन जो नंबर है बिग होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बड़ा नंबर को पहले चूज करेंगे, उसका सिंबल क्या है प्लस है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंबल प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सपोज माइनस 3 इंटू माइनस क्या है 5 है, तो क्या करेंगे, देखिए बड़ा नंबर है और माइनस 3 यहाँ पे रहेगा, माइनस को माइनस इंटू करेंगे प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से फिर चूज करेंगे बड़ा नंबर कौन है 5, उनका सिंबल क्या है प्लस है, तो प्लस रहेगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इज आंसर। ऐसे क्वेश्चन से यदि यहाँ पे स्मॉल है बिग होगा तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे स्मॉल नंबर होगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से माइनस को तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस होगा, प्लस का सिंबल क्या है, ये जो प्लस का सिंबल जो रहा था, जो नंबर होगा यहाँ पे स्मॉल होगा तो बिग नंबर होगा माइनस का सिंबल, तो माइनस ही रहेगा, जो भी बड़ा होगा उसी का ही सिंबल रहेगा। ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ माइनस 5 और माइनस माइनस 3, तो माइनस को माइनस इंटू करेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा, और बड़ा नंबर को चूज करेंगे फिर एक वन प्लस और वन क्या है एक माइनस है, तो बड़ा नंबर क्या है 5 है, माइनस 5 प्लस 3, उसमें से क्या करेंगे माइनस 5 बड़ा है उसका साइन नहीं होगा, क्या रहेगा 5 बड़ा है उसका सिंबल क्या है माइनस, माइनस ही रहेगा, 5 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2। इसलो ऐसे डिवाइड करेंगे, अभी तो सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया, डिवाइड करेंगे, यदि प्लस डिवाइड माइनस होगा हमेशा माइनस रहेगा। चलो एक पॉजिटिव के साथ हमें एक नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि माइनस को माइनस इंटू करेंगे तो हमको प्लस ही मिलेगा। चलो हम लोग को पता है हाउ टू फाइंड द डिविडेंड। चलो और ऐसे देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज माइनस 10 यहाँ पे प्लस टेन डिवाइड माइनस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 5 ही होगा, 2 5 या 10 और माइनस ही यहाँ पे सिंबल लगा है, यहाँ पे भी सिंबल देंगे माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से लिखिए और ऐसे होगा तो माइनस डिवाइड प्लस, ये भी एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पे माइनस 10 डिवाइड क्या है प्लस 2 तो क्या होगा माइनस 5 हो जाएगा। ये सुनो, जब भी माइनस के साथ हमें डिवाइड करेंगे पॉजिटिव को माइनस ही आंसर मिलेगा। ध्यान से देखिए और क्वेश्चन देता हूँ, माइनस डिवाइड माइनस क्या होगा हमेशा प्लस हो जाएगा,
क्योंकि जब भी माइनस को माइनस के साथ हमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर हमेशा प्लस रहेगा। सपोज माइनस 10 डिवाइड माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 5 या 10, दैट मींस हमारा आंसर हो जाएगा 5। दिस इज योर आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पास करके अभी लिख लीजिए। जो भी डाउट्स होगा नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।